नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। दोस्तों, पिछले दिनों हमने आपसे कहा था कि आप अगर हमको प्रश्न देंगे तो हम यहां से उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप अपनी मर्जी के हिसाब से हो सके तो उसका वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं और हो सके तो आप हमारे जितने भी सोशल पोर्टल्स हैं उन पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। आज का जो प्रश्न है वो हमारे किसी सज्जन ने हमारे किसी जानकार के हाथ से भिजवाया है और उन्होंने तर्क दिया और तर्क के माध्यम से कहा है कि आप जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं उसको रोक दीजिए। उन्होंने मूर्ति पूजा का बचाव करते हुए एक तर्क हमारे सामने रखा है। तर्क किस प्रकार से है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और उस तर्क के सापेक्ष हम किस प्रकार से अपना तर्क रखते हैं और किस प्रकार से इस विषय में कोई भी साधारण व्यक्ति अपना जवाब दे सकता है, आज उसी के ऊपर विचार करेंगे। दोस्तों, सत्य सनातन YouTube चैनल का जो प्रमुख उद्देश्य है वो किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हम यह मानते हैं कि ईश्वर निराकार है। हम ऐसा अपने मन से नहीं बल्कि वैदिक सनातन सभ्यता के आधार पर ऐसा मानते हैं। हमारे इन मित्र ने जिन्होंने हमको ये तर्क दिया है, सबसे पहले सुनते हैं उनका तर्क क्या है। उन्होंने कहलवा कर भिजवाया कि जिस प्रकार से आप कहते हैं कि ईश्वर निराकार है और वो सर्वव्याप्त है, वो कण कण में व्याप्त है, वो सदा सर्वदा प्रत्येक काल में प्रत्येक जगह पर विद्यमान है। उसी प्रकार से तो नमी भी हर जगह विद्यमान है, लेकिन क्या हम सर्वत्र विद्यमान उस नमी से अपनी प्यास बुझा सकते हैं? नहीं बुझा सकते हैं। उस प्यास को बुझाने के लिए हमको जल का एक साकार स्वरूप लेना पड़ेगा, उसको हम पीकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भले ही सर्वव्यापक हो, ईश्वर भले ही हर जगह हो, ईश्वर भले ही आपके अनुसार निराकार हो, परंतु अगर हमको अपनी भक्ति की जो प्यास है, जो दर्शन की प्यास है, जो उसके उपवास अर्थात उसके समीप बैठने की जो प्यास है, वो जब तलक ईश्वर को हम साकार स्वरूप नहीं देंगे तब तलक वो प्यास नहीं बुझ सकती। तर्क में दम है। आगे वो कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जल का साकार होना और साक्षात होना हमारी प्यास को बुझाता है, उसी प्रकार से ईश्वर का साकार होना, साक्षात होना, वो हमारी नयनों की प्यास बुझाता है, दिल की प्यास बुझाता है, भक्ति की प्यास बुझाता है। और जिस प्रकार से वातावरण में फैली हुई नमी हमारे किसी काम की नहीं है, उसी प्रकार से जिसको आप निराकार ईश्वर कह रहे हो, वो भी हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में अर्थात ईश्वर दर्शन में हमारी किसी भी कामना की पूर्ति नहीं करता है। बात करते हैं तर्क की, तो तर्क इस प्रकार से बहुत सारे दिए जा सकते हैं। इस तर्क के माध्यम से, हालांकि तर्क प्रभावी है और बहुत सारे हमारे हिंदू भाई इस तर्क से बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन तर्क का अर्थ ये नहीं है कि इससे ये बात सिद्ध हो गई हो। मैं आपको दूसरा तर्क देता हूँ। पूरे वातावरण में ऑक्सीजन फैली पड़ी है, लेकिन उस ऑक्सीजन से मुझे लगता है कि आपकी जो श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया है वो शायद पूर्ण नहीं होती होगी। अगर इसी तर्क को हम आगे बढ़ाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आपको वातावरण में फैली हुई नमी और जलीय कणों से संतुष्टि नहीं होती है, उसी प्रकार से और उसी मार्ग पर आगे चलते हुए आपको वातावरण में फैली हुई ऑक्सीजन से भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होनी चाहिए। उस ऑक्सीजन को जब तक हम किसी गैस के सिलेंडर में नहीं भर देते, चेहरे पर मास्क नहीं लगाते, आईसीयू में भर्ती नहीं होते, तब तक ऑक्सीजन का स्वाद ही क्या। जब तक हम ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर, अपने कंधों पर लेकर नहीं घूमते हैं और जब तक उसका वेट, जब तक उसका घन हमको पता नहीं लगेगा, जब तक वो साकार सिलेंडर के अंदर किसी वजन के साथ, किसी आकार के साथ में नहीं भरी जाएगी, तब तक ऐसा हो सकता है कि आप जैसे महानुभावों को ऑक्सीजन के मूलभूत जो गुण हैं वो प्राप्त ही ना हों। तो ये प्रश्न आप स्वयं से कीजिए कि एक तर्क देकर क्या आप दूसरे कुतर्क को अपनी ओर आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि विचार करने योग्य बहुत सारी चीज़ें हैं। साकार और निराकार के खेल में बहुत सारी बातें बनाई जा सकती हैं। यदि आप वातावरण से नमी निकाल कर नहीं पी सकते तो वातावरण से ऑक्सीजन छानकर क्यों पी रहे हैं?
उसको भी आपने एक सिलेंडर में भरना चाहिए, कंधे पर टांगना चाहिए और उसी पर ही जीवित रहना चाहिए। तो सत्य सनातन का यह मंच आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। सत्य सनातन यूट्यूब चैनल का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है कि यदि आपको बहुत सारे श्लोक मंत्र याद भी ना रहें तो भी हम अपने तर्क और अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के जरिए भी उन सभी कुतर्कों का उत्तर दे सकते हैं जिनके आधार पर विधर्मी लोग इस सत्य सनातन वैदिक धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो आज और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।